हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि दूध के साथ हमें किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। मतलब अगर आप कोई चीज़ खा रहे हैं उसके साथ दूध नहीं पीना चाहिए या दूध के साथ उन वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए, उससे हेल्थ पर काफ़ी गलत असर पड़ सकता है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं कि कोई भी खट्टी चीज़ जैसे कि अचार है, चटनी है, इसका प्रयोग बिल्कुल दूध के साथ न करें। अगर आपको दूध पीना है तो उसके 2 घंटे पहले ही कोई खट्टी चीज़ आप खा सकते हैं, लेकिन दूध पीने के 2 घंटे पहले या दूध पीने के 2 घंटे बाद आपको खट्टी चीज़ कभी नहीं खानी चाहिए। खट्टी चीज़ खाने से क्या है कि बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको अपच हो सकता है या आपके पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, गैस बन सकती है। तो ये पहली चीज़ याद रखना है, खट्टी चीज़ का प्रयोग नहीं करना है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो ब्रेड और बटर हम खाते हैं, तो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि ब्रेड और बटर का प्रयोग दूध के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्रेड एंड बटर में क्या है, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो वो एक गलत कॉम्बिनेशन है। पर विदेशों में और हमारे देश में भी आजकल ये परंपरा चली चल रही है कि ब्रेड और बटर का प्रयोग हम दूध के साथ सुबह के नाश्ते में करते हैं, जो कि गलत है, नहीं करना चाहिए। और जो हमारे भाई मछली खाते हैं, फिश, तो फिश का प्रयोग कभी भी दूध के साथ न करें। अगर आपने मछली का सेवन किया है तो उसके 2 घंटे तक या 3 घंटे तक भी आपको दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप करेंगे तो पॉइजनस भी हो सकता है, आपके चेहरे पर या हाथ पांव पर कहीं सफ़ेद दाग भी पैदा हो सकते हैं आगे जाकर, अगर रेगुलरली आप ऐसा करेंगे तो ये डेंजरस हो सकता है। दूध में क्या है, मिनरल, कैल्शियम, प्रोटीन, सब कुछ है इसमें, तो बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए। लेकिन ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि कोई खट्टी चीज़ का प्रयोग दूध के साथ ना करें, ब्रेड एंड बटर को दूध के साथ का प्रयोग बिल्कुल ना करें, तीसरी बात अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो फिश का प्रयोग बिल्कुल ना करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।